नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं टेक्नो बंगली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एफएल स्टूडियो के अंदर किस तरह से एक सॉन्ग मिक्सिंग करें। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग वही सीखने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आपके सामने मैं ओपन किया हूँ, फटाफट दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, किया हूँ, जो कि किसी भी ट्रैक का फाइल का कोई भी नाम और कलर आइकॉन कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट फटाफट किया, क्योंकि अगर सारे चीज़ करते जाए तो बहुत समय लग जाएगा और आपका ट्यूटोरियल बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, किसी भी चैनल को हम लोग पहले भी सीखा है पिछला ट्यूटोरियल में कि किस तरह से किसी भी फाइल को रीनेम करें, कलर लगाए और साथ ही आइकॉन किस तरह से जुड़े, है ना। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक म्यूजिक को क्रिएट किया जाता है, एक सॉन्ग, टोटली एक सॉन्ग किस तरह से क्रिएट करें एफएल स्टूडियो के अंदर। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग वही सीखने वाला है, ठीक। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, वापस हम लोग आ चुका है अपना प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ क्रिएट किया, उस प्रोजेक्ट को आपके सामने मैं यहाँ प्ले करके सुनाऊंगा। आई होप कि आपको पसंद आएंगे और डिटेल्स में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए सुन लेते हैं। कैसे कहूँ बिना तेरे, क्या है जिंदगी। हर तरफ शोर है, तन्हा जिंदगी। अभी जा लौट के ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, लौट आ ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, लौट आ। तुझे से तेरे ही सपनों में मिलने आऊंगा। बीच में है कि नींद की दूरी दूर के आऊंगा। प्यार के राहों में खोया हूँ, मंजिल पा तो लूं। एक कदम तुम चल दो तो मैं चार कदम चल दूं। तो इस बार हम लोग हर पैटर्न को एक एक करके सुन लेते हैं। तो पैटर्न वन, सबसे पहले इसको सुन लेते हैं। mm-hmm.
तो ये मेरा पहला पैटर्न था, इसको मैं ये जो आप देख पा रहे हैं एफएल्स की, सबसे पहले तो एफएल्स की पे जो सिंगर का वोकल है, एक्चुअली ये जो सिंगर है ये मेरा दोस्त है और काफ़ी अच्छा गा लेते हैं, लगभग ठीक ठाक गा लेते हैं, तो उन्हीं का वोकल से मैं ये क्रिएट किया। थोड़ा सा पार्ट जैसा आपको मैं सुनाई देता हूँ, यहाँ जाएंगे और ये जो देखिए मैं यहाँ से काट टूट करके वो पैटर्न बना लिया। सबसे पहले इसको एक बार सुन लेते हैं, ये जो है कैसे कहूँ बिना तेरे क्या है जिंदगी। तो अभी आप सुन पा रहा है कि मैं सिंगर का जो वोकल का जो नॉइज़ है वो भी हटाया नहीं ही सही तरह से, ताकि फटाफट हो जाए। और अगर आपको नॉइज़ किस तरह रिमूव करे ये ट्यूटोरियल चाहिए तो देखिए मेरा चैनल पे ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो छोड़ा है जिसमें मैं दिखाया किस तरह से किसी भी वोकल से नॉइज़ रिमूव करे। फिलहाल इस वीडियो में मैं नहीं किया ताकि आपको फटाफट दिखा सकूं, इसलिए मैं ये ड्राई वोकल पे ही थोड़ा बहुत रिवर्ब वगैरह डाल के और थोड़ा सा इक्वलाइजर करके मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन किया। ये जब मैं प्रोफेशनल ये एडिट करूँगा, मिक्सिंग करूँगा, मास्टरिंग करूँगा, तो उस समय मैं ये सारे चीज़ ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूँगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ से ही मैं इसको, ये दोनों पार्ट को, जैसा कि कैसे कहूँ सुनिए, कैसे कहूँ बिना तेरे क्या है जिंदगी, इसी पार्ट को मैं कॉपी किया और सीधा मैं एफएल्स की पे ले गया। ये रहा मेरा एफएल्स की। सबसे पहले तो किसी भी सॉन्ग का जो स्केल है इस तरह आपको प्ले करके निकालना पड़ेगा कि कौन सा स्केल है। इस तरह से आपको निकालना है, तो स्केल निकाल के फिर आपको पियानो रोल पे जाना है। तो देखिए सिंपल मैं यहाँ पियानो रोल पे स्केल निकाला और उसी को भी रख दिया, सुनिए। एक्चुअली मैं स्केल निकाला आपके साथ में, आपको सुनने में एक लीड भी आ रहा है ताकि मैं वीडियो फटाफट हो जाए, इसलिए आपको मैं दिखाई देता हूँ। तो यह देख पा रहा है आप एफएल्स की, साथ में मेरा सिंथ मास्टर जो कॉर्ड प्ले हो रहा है इसको अगर ऑफ कर देता हूँ, आप सुनिए, आप सिर्फ ये वाला प्ले होगा। ठीक है, और इसी को मैं राइट किया पियानो रोल के अंदर, और राइट करके मैं यह सिंथ मास्टर पे इसको किया प्ले। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, ये काफ़ी अच्छा वीएसटी प्लगइन है, टोटल ये फ्री भी है। अगर आपको चाहिए कि आपको सिंथ मास्टर प्लेयर चाहिए तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक वीडियो भी मैं छोड़ा हूँ इस सिंथ मास्टर के ऊपर, और उसमें मैं दिखाया किस तरह से इसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। अगर इसको चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसका देखिए इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, बहुत सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं और एफएल्स की को ऑफ कर देते हैं। ठीक है,
ये रहा, तो इसको ले जाते हैं पियानो रोल पे, ये आ गया। देखिए उसी चीज़ को मैं कॉपी किया, कॉपी करके सेटिंग करके बिठा लिया और इसको इस तरह से, ओके। तो इस तरह मैं पैटर्न वन को क्रिएट किया। आप चला जाते हैं हम लोग पैटर्न टू पे, ये रहा पैटर्न टू जो कि मैं इसको बनाया इसी से मोरफोनिंग, इसी से बनाया मैं ये, काफ़ी अच्छा इसका बेस काफ़ी अच्छा आता है। तो सबसे पहले एक बार इसको प्ले करके सुन लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो इसको मैं प्ले किया, वही एक ही फंडा है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया एफएल पियानो रोल पे, इस तरह से प्ले किया और प्ले करके थोड़ा बहुत छेड़खानी किया। आप ये जो देख पा रहा है पीछे, ये एक्चुअली मेरा घोस्ट चैनल पे जो सिंथ मास्टर से मैं कॉर्ड निकाला था उसी का घोस्ट चैनल है, और उसी से थोड़ा काट के यहाँ से आप देख पा रहा है, आपको यह शायद पता चलेगा। तो ये चीज़ को मैं काट के कॉपी करके या पेस्ट करके थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया, तो इस तरह से ये बन गया, काफ़ी अच्छा और आसान है। तो ये सब डिटेल्स में मैं दिखा सकता था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं दिखाया नहीं। उसके बाद पैटर्न टू पे और क्या है, और एक चीज़ है ये वाला मोरफोन टू, इसी का है। तो इस पे क्या है पियानो रोल, तो देखिए उसी चीज़ को जो मेरा सिंथ मास्टर से मैं कॉर्ड निकाला उसी को यह कॉपी किया, आप देख पा रहा है उसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद पैटर्न थ्री ये एनालॉग बेस जो कि मैं यूज़ किया, एकदम सिंपल, देखिए आप कुछ नहीं मैं यूज़ किया, फटाफट से 1 2 3 4 इस तरह से 4 पैटर्न लिया। सुनिए किस तरह, तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं पैटर्न फोर पे, तो देखिए सेम वही चीज़ है जो मैं फोर स्टेप यूज़ किया, देखिए बस कुछ नहीं है। और पैटर्न फाइव देखिए,
ये अलग से क्रिएट किया, थोड़ा सा अप डाउन ऊपर नीचे करके इस तरह से। चलिए इसको भी एक बार प्ले करते हैं, ये भी बेस है। ठीक है, तो इस तरह से बेस लाइन कॉर्ड लाइन आप आसानी से बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और पैटर्न सिक्स पे क्या है चलिए देख लेते हैं। पैटर्न सिक्स, तो पैटर्न सेवन पे मैं अपना देखिए कुछ कॉर्ड वगैरह ड्रम्स लूप बनाया, जो कि आप इस तरह से पियानो रोल के अंदर भी बना सकते हैं। किक ड्रम्स और क्लोज हेड क्लैप स्नेयर, स्नेयर वन टू और साइड से बनाया, काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। और पैटर्न एट चलिए देखते हैं क्या है। तो ठीक है, और पैटर्न नाइन, पैटर्न नाइन पे देखिए ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, जो भी किया सब इस तरह आपको राइट साइड पे मिल जाएंगे पैक के अंदर। तो यहाँ आपको पैक पे जाना है और इस तरह से देखिए यहाँ आपको ड्रम्स पे जाना है, उसके बाद जैसा कि किक है तो मैं यहाँ देखिए किक यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ स्नेयर और हेड्स के ऊपर बनाया। तो ये रहा स्नेयर, ये आपको इस तरह मिल जाएंगे, बहुत सारा स्नेयर है जो कि आप आसानी से यह ले सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से उठाया और इसको देखिए इस तरह से बिठाया, आप इस तरह से जैसा बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन देखिए सुनने में कितना मस्त लग रहा है। देखिए इसको मैं पैक से उठाया, अब इसको सुन सकते हैं, देख रहा है ये जो चीज है ये यहाँ यूज किया गया है। इसको सुनते हैं, सब यहाँ से वह पैक से उठाया ताकि फटाफट हो जाए। और इसको सुनिए, ये तीन चीज से ये बना इतना कूल और बहुत ही अच्छा बीट, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ इसको कहाँ यूज़ किया। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर मैं यूज़ किया, तो इसको ऑन करते हैं ये वाला और इसी को सुनते हैं। प्ले हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और इजी तरीका से आप कर सकते हैं सारे चीज़ एफएल स्टूडियो के अंदर आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो कि मैं कुछ एफएक्स यूज़ किया, ये वाला है ये, तो सुनिए इसी को सुनते हैं यहाँ पर। तो ये जो एफएक्स है ये आपको या जो SFX दिख रहा है इसके अंदर से मैं उठाया, इसका नाम क्या है सबसे पहले देख लेते हैं।
देखिए एफ एक्स ई को एफ एम पार्ट टू, यह आपको एफ एक्स में मिल जाएंगे, एफ एक्स यह आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारा, जैसा कि देखिए यह है एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, इस तरह से आपको ढूंढ के निकलना पड़ेगा, बहुत सा है, यहाँ से कोई भी उठा लीजिए। और उठाने के बाद मैं सिंपल किया क्या, इसको इस तरह से राइट क्लिक किया और इसको इस तरह से मेक यूनिक सैंपल कर दिया, उसके बाद एडिट किया पियानो रोल पे, आपको इस तरह से मेक यूनिक सैंपल, तो इस तरह से आपको सेव कर देना है, ओके। और उसके बाद इसको आपको फिर से क्लिक करना है और एडिट सैंपल, जैसे आप एडिट सैंपल पे ले जाएंगे तो आपको ये एडिशन के अंदर आ जाएंगे, तो इसका जो शेप था, आपको मैं शेप ही बोल रहा हूँ, ये देखिए जीरो से धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन असल में ये ऐसा था ही नहीं, ये था पूरा उल्टा। तो मैं क्या किया, इसको कर दिया रिवर्स, तो मैं अगर इसको अभी रिवर्स कर दूंगा तो ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, यहाँ क्लिक कीजिए और ये देखिए रिवर्स, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए उल्टा हो गया, ये था ऐसा जो कि मैं उसको फिर से उल्टा कर दिया था, तो फिर से जैसा था वैसे ही कर लेते हैं, हो गया ठीक है। तो इस तरह से इफेक्ट्स एफेक्ट्स को लगाया और एक एफेक्ट्स ऊपर में आपको यह मिल जाएंगे यहाँ पर, तो इसको भी एक बार सुन लेते हैं, तो ये सारे चीज़ पैक के अंदर से ही मैं यूज़ किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है किस तरह से करे। और उसके बाद देखिए जो चैनल रैक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा शेरखानी नहीं किया, और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, वोकल है, एक्चुअली मेरा वोकल यह है जो कि इसको मैं यहाँ कन्वर्ट कर दिया, लिंक टू कंट्रोलर कर दिया, और इस पे देखिए कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ साउंड गुडीजर इसको मैं यूज़ किया और इस पे थोड़ा काम किया। देखिए फ्रूटी पैरामेटिक ईक्यू, फ्रूटी फिल्टर, फ्रूटी रिवर्ब, फ्रूटी डिले, जो कि मैं पहले भी आपको बोला था, इसमें मैं ना तो कोई नॉइस रिवर्ब किया, ना कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से प्लगइन वगैरह यूज़ किया, सिर्फ यही तीन चार प्लगइन को यूज़ किया और इसको मॉडिफाई किया। स्ट्रिंग पे मैं सिर्फ फ्रूटी रिवर्ब टू यूज़ किया, बेस में भी वही चीज़, और तो देखिए मेरा पैटर्न वन, इस पर कुछ नहीं है, मतलब चैनल पे है, यह मैं रीनेम नहीं किया इसलिए दिखा नहीं रहा है, एक्चुअली मेरा यहाँ तक है, देखिए इंसर्ट 17 जो चैनल 17 है, यहाँ तक मेरा चैनल है, हर चैनल में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह वोकल साउंड इफेक्ट एफेक्ट्स कुछ ना कुछ है जो कि 17 तक चल रहा है। उसके बाद इसको मैं 21 में देखिए कन्वर्ट किया, मेरा जो वोकल है, सॉरी मेरा नहीं, जो सिंगर का वोकल है, तो सिंगर का जो वोकल है उसको मैं इस पे 21 पे सॉरी 22 पे मैं प्ले करवाया, और ये सारे चैनल को कंट्रोल कर रहा है 21, और इसमें देखिए 21 में भी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो ये दो चैनल, ये एक वोकल है और एक जो 21 है ये इंस्ट्रूमेंट का है, सब कंट्रोल कर रहा है, जस्ट मैं इसको वोकल के साथ सारे चीज़ को मैं साइड चेंज कर दिया। तो साइड चेंज का भी एक ट्यूटोरियल में ऑलरेडी
छोरा हूँ एफएल यूट्यूब में, मेरे चैनल पे है। आप चाहे तो वो सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं टेंशन नहीं है, आने वाला दिन पे भी मैं ये सारे चीज़ को डिफॉल्ट एक एक करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है 2021 में मेरा जितना व्यूअर है, मेरा जितना सब्सक्राइबर है, मेरे चैनल पे जितना विजिट करते हैं जो जो लोग, उस सारे सबको मैं म्यूजिक प्रोडक्शन के किस तरह से करें उसके ऊपर मैं वादा किया कि ट्यूटोरियल लाऊंगा और पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा, ताकि कोई भी बंदा आसानी से मेरा अगर चैनल पे विजिट करेगा तो म्यूजिक प्रोडक्शन आसानी से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ट्यून टेक्नो बंगाली बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। बिना तेरे तो लास्टली आपको मेरा जो अभी यहाँ पर चैनल 17 है, हेलो, तो ये देखिए, ये मेरा चैनल 17 पे मेरा जो अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। इसको एक बार ऑफ कर देते हैं, नॉन कर देते हैं। कैसे कहूँ बिना तेरे, क्या है जिंदगी। हर तरफ शोर है, तन्हा जिंदगी। अभी जा लौट के ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, लौट आ तुझसे। तेरे ही सपनों में मिलने आऊंगा, बीच में है के नींद की दूरी उर के आऊंगा, प्यार के राहो मैं खोया हूँ, मंजिल पातलो एक कदम तुम चल दो तो मैं चार कदम चल दूँ। ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, लौट आ। ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जिंदगी, लौट आ। कैसे कहूँ बिना तेरे, क्या है जिंदगी। ए मेरी जिंदगी, ए मेरी जिंदगी, लौट।
क्या। तो फाइनली जो सॉन्ग मैं यहाँ आपको क्रिएट करके दिखाया ये एक्चुअली कोई कंपोजिशन नहीं है, जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दिया था कि आप बार बार प्रैक्टिस करो और क्रिएट करो, इस तरह से सॉन्ग आसानी से आप बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वक्त दीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया आप सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नॉलेज तो मिल ही गया किस तरह से सॉन्ग क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स, जिसमें मैं हर एक चीज़ का जो जो यूज़ करता हूँ, मैं हर चीज़ का एक एक करके ट्यूटोरियल लाऊँगा। जैसा बीट किस तरह से बनाए, पियानो रोल किस तरह से करे, कॉर्ड किस तरह से बनाए, मास्टरिंग किस तरह करे, वोकल को किस तरह मिक्सिंग करे, और एफेक्ट्स किस तरह करे, ऑटो ट्यून किस तरह से करे, पिचर किस तरह से करे, और साइड चेन किस तरह से करे, हर चीज़ एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लाता रहूँगा। तो देखते रहिए मेरा ये सीरीज़। आई होप कि पूरा सीरीज़ जब कम्प्लीट हो जाएंगे, आप एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोज़र बन जाएंगे, म्यूजिक आप खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून टेक्नो बंगाली बाबू। और एक हाँ, ज़रूरी बात मैं बोलना भूल गया था, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा, वहाँ जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपना डिवाइस में मिलता रहे। गुड बाय, सी यू सून। Take care. Thanks for watching. तो इसको सबसे पहले एक बार सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए देखिए मैं क्या किया, फाइल पे क्लिक किया, आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। इस तरह से फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट, या देखिए आप अगर चाहे मीडी फाइल तो मीडी फाइल पे कर सकते हैं, वेब फाइल में भी कर सकते हैं, MP3 में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार MP3 कर लेते हैं और इसको एक रीनेम डाल देता हूँ। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, जीवन विथ रैप RACK। ओके, और अगर आप यहाँ देखिए सिलेक्ट कीजिएगा, यह देखिए बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप जो फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं MP3 करूँगा सेव। ओके, तो यह देखिए सेव होना चालू कर दिया।